हे दोस्तों नमस्कार, हमारे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि रेलवे में जो जेई की वैकेंसी आई थी उसका CBT 2 जो एग्ज़ाम हुआ है उसका दोस्तों कट ऑफ कितना रह सकता है, यही है दोस्तों आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। कट ऑफ बनाने से पहले हमने दोस्तों बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, वैकेंसी देखी हैं, पेपर का लेवल देखा है, साथ ही साथ दोस्तों पेपर का पैटर्न देखा है। इस पेपर में दोस्तों एक चीज़ जो थी जो स्टूडेंट के फेवर में नहीं थी दोस्तों, जो पहला पार्ट था ना उसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग नहीं थी, तो इस कारण से दोस्तों मुझे ऐसा लगता है जो कट ऑफ में 25 से 30 नंबर की गिरावट आएगी, जो कि जो स्टूडेंट मतलब 80% मतलब स्टूडेंट मार्क्स लाते थे वही स्टूडेंट दोस्तों यहाँ पे 70% 65% मार्क्स ला पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं वो क्या रह सकते हैं वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये ज़्यादातर सभी ब्रांच के लिए मान लीजिए, सिविल के थोड़ा कम और रह सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए कट ऑफ इसके आसपास ही रहने की संभावना रहेगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपके जो है 100 से 105 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आंसर की आ गई है, अभी देखिए मॉडल आंसर की है, फाइनल आंसर की भी आएगी दोस्तों, तो क्योंकि अभी देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आपके 100 से 105 के आसपास मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। क्योंकि फ्रेंड्स, पेपर में टेक्निकल भी थोड़ा उस टाइप का था, थ्योरी टाइप का था, जो कि डिग्री वाले जो स्टूडेंट हैं वो सही से उसमें कंफर्ट महसूस नहीं कर पा रहे थे। और फर्स्ट पार्ट में दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन था काफ़ी डिफिकल्ट आया है और एप्टीट्यूड रीजनिंग नहीं था, तो इस कारण स्टूडेंट के मार्क्स बहुत कम आए हैं। वहीं दोस्तों यदि आप OBC में हैं तो आप 95 से 100 के बीच में हैं, तो आप मुझे ऐसा लगता है सेफ जोन में हैं। वहीं दोस्तों यदि आप SC में हैं तो आपको 80 से 85 के आसपास मार्क्स हैं, यानी कि दोस्तों आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद भी इतने मार्क्स हो जाते हैं तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि आप ST कैटेगरी में आपके 75 के आसपास मार्क्स हैं तो दोस्तों आपका भी सिलेक्शन होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे अनुसार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं, जिसमें हमने वैकेंसी आपको मालूम है 13-14 हज़ार वैकेंसी है, और फॉर्म तो दोस्तों बहुत सारे आपको मालूम है, कितनी बेरोजगारी है, बहुत सारे फॉर्म डाले जाते हैं। तो अभी आपको मालूम होगा NTPC में भी बहुत सारे फॉर्म डाले गए हैं और रेलवे में भी बहुत सारे फॉर्म, करोड़ों में फॉर्म डल रहे हैं दोस्तों, तो आप सोच सकते हो कंपटीशन का लेवल। तो ये थे दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमने अब आपको बताए। देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ इससे थोड़ा इधर उधर हो सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।